इस बीच अमेरिका ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 800 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 6000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिका की कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खेप यूक्रेन भेजी जाएगी। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस अब और भी घातक हमले करने की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन के लिए हथियारों की मदद करने के ऐलान से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना जंग के 50 दिन बीत जाने के बाद अब यूक्रेन के पूर्व में डोनबास प्रांत में और भी भीषण हमला करने जा रही है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को और भी आधुनिक और ज्यादा मारक हथियारों की मदद देने का फैसला किया है, जिसमें इस बार अमेरिका यूक्रेन के लिए 11 MI-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसके साथ ही 18 हॉविट्जर तोप भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए भेजी जाएंगी, जबकि 300 आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन भी यूक्रेन को दिए जाएंगे, जो रूसी टैंकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यही नहीं, बेहद हल्की और मारक 500 जैवलिन मिसाइल भी रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन भेज रहा है, जिनकी मदद से यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना, चेचन लड़ाकू और यूक्रेन के विद्रोहियों की तिकड़ी का मुकाबला कर पाएंगे। यूक्रेन को हथियारों की बड़ी मदद देने के ऐलान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह दावा भी किया कि रूस के खिलाफ इस जंग में वो आगे भी ज़ेलेंस्की की हर तरह की मदद करते रहेंगे, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने भी उनका आभार जताया। बताया गया कि इस बार यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों में कुछ ऐसे हथियार भी शामिल हैं जिसे देने से अमेरिका ने पहले इनकार कर दिया था और ये डर जताया था कि ऐसा करने से रूस के साथ उसका टकराव और बढ़ जाएगा। लेकिन अब अमेरिका ने वो हथियार भी यूक्रेन को देने का फैसला किया है, क्योंकि उसने हमले से पहले भी रूस को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने उसे नजरअंदाज करके यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इसके बाद अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा हुआ और उसने पहले भी वहां हथियारों की बड़ी खेप भेजी थी, जिसमें 1400 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें शामिल थी, जबकि 5000 एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन भी यूक्रेन भेजी गई थी। यही नहीं, 7000 दूसरे एंटी टैंक हथियारों की भी मदद दी गई थी। इसके साथ ही 7000 राइफल और 50 लाख गोलियां भी यूक्रेन की सेना को दी गई थी। खबर है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने अपने 300 लड़ाकों को कीव की तरफ रवाना कर दिया है। कादिरफ के वो लड़ाके हैं जो दुनिया भर में अपनी बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द इनके लिए छोटे हैं, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के शहर पर कहर टूटने वाला है। हालांकि पहले से ही कादिरफ के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को धूल चटाने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन से लाइव अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपडेट्स क्या आ रहे हैं, इन पूरे लड़ाकों को लेकर क्या तैयारी है रूस और चेचन लड़ाकों की? जी प्रीति, कादिरफ के लड़ाकों के बारे में कहा जाता है कि बहुत खूंखार होते हैं, बहुत ही बर्बर तरीके से लोगों की हत्या करते हैं, और इसलिए चूंकि ये लोग पहले से यूक्रेन में मौजूद हैं, मरियुपोल में तबाही मचा रहे हैं, लोगों की बर्बरता से हत्या कर रहे हैं, और एक और टोली जो यूक्रेन की तरफ रवाना हुई है उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और इस बात की इम्कान है, इस बात की आशंका बढ़ गई है कि यूक्रेन के अन्य शहरों में भी कादिरफ के लड़ाके आकर के बर्बर हत्याओं को अंजाम दे सकते हैं। और अब चेचन्या की राजधानी ग्रोज़नी से इन 300 लड़ाकों के कीव कूच करने के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन में पहले से भी ज्यादा खून खराबा मचने वाला है। दो दिन पहले ही कादिरफ ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी थी कि जल्द ही रूस कीव समेत यूक्रेन के कई पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लेगा, जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और तबाही मचेगी। अपनी चेतावनी में कादिरफ ने यह भी कहा था कि ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए चेचन लड़ाके और रूसी सेना मिलकर यूक्रेन की सेना पर पूरी ताकत से प्रहार करेंगे। हालांकि इससे पहले भी चेचन कमांडर कादिरफ ने यूक्रेन के पूर्वी छोर पर मौजूद मारियुपोल शहर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शहर को जीतने के लिए कादिरफ ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। ये साफ कर दिया था कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं, सिर्फ मारियुपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। अपने कमांडर का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ वहां इतनी तबाही मचाई कि पूरा शहर ही जैसे शमशान में तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा। उन्होंने रूसी सेना के साथ यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए
करीब एक महीने तक चली जंग के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने मारियुपोल के एक बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया, जबकि शहर के भीतर कादिरव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग चलती रही। मतलब ये कि लाखों कोशिशों के बाद भी मारियुपोल पर रूस का कब्जा नहीं हो सका। लेकिन अब पुतिन और कादिरव ने मिलकर यूक्रेन को जीतने का, या यूं कहें कि यूक्रेन में तबाही मचाने का एक नया प्लान तैयार किया है। यही नहीं, तबाही के इस प्लान को अंजाम देने के लिए कादिरव के 300 लड़ाके चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से यूक्रेन की तरफ कूच भी कर गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन रवाना होने से पहले चेचन लड़ाके हथियार और दूसरे सामान के साथ खड़े दिखाई दिए। उनके पीछे सफेद रंग की कई बसें भी खड़ी नजर आईं, जिन पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुके जेड का निशान बना था। इसके बाद यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए जाने वाले लड़ाकों का लाउडस्पीकर की मदद से एक एक कर नाम पुकारा गया। जिसका भी नाम बोला जाता वो लड़ाका अपना हाथ ऊपर उठाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करता दिखा। बाद में सभी लड़ाके यूक्रेन जाने के लिए बसों में सवार हो गए और थोड़ी ही देर बाद उनकी बसों का काफिला तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ने लगा। उधर यूक्रेन के सैनिकों के गुप्त ठिकानों पर चेचन कमांडर रमजान कादिरव का कब्जा बढ़ता जा रहा है। मारियुपोल में जारी भीषण जंग के बीच दावा है कि यूक्रेन की सेना कई जगहों से पीछे हट रही है, और इस दावे को पुख्ता करने के लिए रमजान कादिरव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों के एक गुप्त ठिकाने पर कब्जा करते दिखाई दिए, जहां संकरे रास्तों से होते हुए एक के बाद एक कई कमरे नजर आए। उन कमरों में कहीं यूक्रेन के सैनिकों के हथियार मिले तो कहीं उनका खाने पीने और रहने का सामान। सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि यूक्रेन के सैनिक वहां कई दिनों से डेरा जमाए हुए थे, क्योंकि मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। वहीं रूस ने अपनी सेना के साथ वहां चेचन लड़ाकों को भी उतार दिया ताकि यूक्रेन के सैनिकों को जवाब देने का मौका न मिल सके। दावा है कि इसी तरह पुतिन के वफादार चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई दूसरे गुप्त ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया। 50 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी है। रूस की सेना ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करते रहेगा तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर यूक्रेन नहीं माना तो रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रशासनिक इमारतों पर हमले करेगी। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को रूसी इलाकों में घुसकर तोड़फोड़ और हमले करने का आरोप लगाया है। Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. तो वहीं रूस की हवाई ताकत से यूक्रेन बेदम हो गया, क्योंकि रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों के लिए अपने सबसे घातक KA-42, MI-24 और MI-28N हेलीकॉप्टरों को एक साथ जंग के मैदान में उतार दिया। और इन हमलों की तस्वीरें जारी कर रूस ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए। हालांकि ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया, लेकिन हवाई हमलों की जो तस्वीर सामने आई उनमें रूस के अटैक हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से उड़ान भरते दिखाई दिए। इन हेलीकॉप्टरों के जरिए रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया, जिसके लिए